हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम CDS 2 2014 के मैथ्स के पेपर का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 11 से 22 तक क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके पहले हमने CDS 1 के 2015, 16, 17 और CDS 2 के 2015 और 2016 के पेपर अपलोड कर दिया, पूरा मैथ्स का पेपर। इसको आप लोग देख सकते हैं। पास्ट पेपर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि पास्ट पेपर देखने के मतलब कि हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन देख के उसके आसपास कितने क्वेश्चन चेंज होकर बना सकते हैं, या उस टॉपिक को पूरा डिटेल पढ़ना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिए। पास्ट पेपर करने का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन करें, उसके आसपास उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन मैक्सिमम और दिमाग में आ सकते हैं वो करना चाहिए। इस तरह हम करें तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और ये मेरी मैथ्स पॉइंट्स के नाम से कोचिंग है दयाल सर रोड में, उत्तम नगर में। क्लास 6 से लेकर 12 तक मैथ्स की पढ़ाई होती है, बाकी साइंस की भी पढ़ाई होती है। और कंपटीशन के सारे SSC CGL NDA आपका CDS की तैयारी कराई जाती है। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, इस पर को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आप दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलेवेंथ क्वेश्चन है दैट डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल के लिए दिया है। द रेट ऑफ 10%, प्रिंसिपल अमाउंट आपका एक्स है और डिफरेंस आपका कितना दिया है, 10 दिया है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल फाइंड करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 पावर 2। अब ये मान लो कि यहाँ डिफरेंस कितना दिया है आपका, 10 दिया है, और प्रिंसिपल आपको एक्स दिया जो फाइंड करना है, और ये 10 हो गया, 10/100 का स्क्वायर हो गया, 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 10 × 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 1000 आ गया। अब इस क्वेश्चन को मान लो फार्मूला आप भूल गए, फार्मूला आपको ध्यान नहीं है, तो बेसिक जब पता होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पता है, तो इस क्वेश्चन को बैक सॉल्विंग करके हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। मान लो कि ये आपका आंसर इसमें आ गया 1000, यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन, तो हम बैक से क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1000 हमारा आ गया, 1000 का हम 10% के हिसाब से, 10% कितना, 1/10 होता है, तो 10% का इसका निकालेंगे, 0 कट जाएगा तो 100 रुपीज आ गया। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपीज आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 ही आएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट वही सेम होगा, फिर लास्ट में ऐड कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी, यहाँ फिर ये 100 आएगा। और फिर इसमें क्या होता है कि इस इंटरेस्ट पर भी फिर से इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 का 10% निकालेंगे, 1/10 से इंटू करेंगे तो 100 × 1/10 किया तो कट के फिर 10 आ गया आपका, हमने निकाला है 10 रुपये फिर से मिल गया इसको। तो ये जो आप ऐड करोगे तो 200 होगा, ये 210, डिफरेंस कितना हुआ, 10 रुपये का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये 10 रुपये जो डिफरेंस आ रहा है, ये 10 रुपये यही आया था ना, 10 रुपीज़ किस पे निकला था, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है पहले साल में, तो ये 10% हम निकालेंगे, तो ये 10% हमको निकालना होता है कि कितने का 10%, ये 10 है तो 100 रुपीज़ का ही तो आ रहा है ना, 100 रुपीज़ का 10, तो हम रिवर्स निकालते हैं। ये 10 दिया है तो 10 को जैसे मान लो 10% दिया है, निकालने का तरीका बताता हूँ, 1/10 दिया है तो 1/10 इक्वल टू, ये मान लो 10 लिखा है यहाँ पे, तो ये 1 हमको निकालना, 10 × 100 मतलब 100 हो गया, ये मतलब 100 रुपीज़ का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमको पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका कितना, 100 आ रहा है। अब 100 देखो कि कितने का 10% है, तो आपका 1000 का 10% ही तो 100 आएगा ना, तो इसलिए आंसर हमारा 1000। ये बैक से इसलिए बता रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझ में नहीं आ सकता है, जिसको फार्मूला मान लो कि भूल गए और ये कॉन्सेप्ट पता है आपको, है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पता है, तो आप इधर बैक से बिल्कुल आसान है कि 10 का ये आप निकाल सकते हैं, 100 आ गया, 100 का फिर हमको कितने का 10% है, 100 1000 का होता है, तो इस तरह आप निकालते चले जाओगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ओरल क्वेश्चन कर सकता है जिस बच्चे को, हर बच्चे का अलग अलग होता है, मैं इसलिए मेथड बता रहा हूँ, किसी बच्चों को ये जल्दी समझ में आएगा, किसी को ये समझ में आएगा, किसी को भूल गया तो ये बेस पता रहेगा तब भी ये निकाल सकता है, तो इसलिए फार्मूले से ज़्यादा बेस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। इस सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 5 years सिंपल इंटरेस्ट एंड हाउ मनी विल सेम सम 6 times एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल में हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, मान लो हमने जो प्रिंसिपल हमने 100 रुपये ले लिया, 100 रुपये जो आपका 3 times जो होता है वो कितने साल में हो रहा है, 5 years में, या आपका 3 times में कितना हुआ, 300 रुपीज़ हो गया, और 300 रुपीज़ हो रहा है तो ये आपका 100 रुपीज़ कितने हुआ, 300, कितने साल में हो रहा है, ये आपका
पाँच साल में, 5 ईयर्स में हो रहा है। अब इसमें ये ध्यान दो आपकी, ये 100 रुपया तो पहले से ऑलरेडी था ना, इंक्रीज इसमें कितना हुआ, 200 रुपया इंक्रीज हुआ, तो 200 रुपया बढ़ने में ये मतलब टू इसको 200 रुपया बढ़ने में कितना लग रहा है आपका, 5 ईयर्स लग रहा है, तो 100 रुपीज़ इंक्रीज होने में कितना लगेगा, 2.5 ईयर्स लगेगा। अब उसी तरह मान लो ये 100, यही प्रिंसिपल आपको कितना बना देना है, 6 टाइम मैंने 600 हो गया, तो ये इंक्रीज कितना हुआ, 500 इंक्रीज हुआ, तो ये देख रहे हो 100 जो इंक्रीज होगा 2.5 ईयर्स में हो रहा है, तो 500 इंक्रीज होने के लिए क्या करेगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा। तो इसमें आंसर सी, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 3 टाइम्स जो हो रहा है 5 ईयर्स में, तो 6 टाइम उसका डबल कर दें 10 ईयर्स, जो कि आंसर ये गलत होता है। इसमें बार बार ये ध्यान देना होता है कि आपका 100 रुपीज़ प्रिंसिपल तो ऑलरेडी है ही है ना, इंक्रीज जो देखते हैं ना कि वो कितने साल में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 5 ईयर में 2 टाइम्स मैंने इस पैसे का डबल इंक्रीज हुआ, मतलब 200 इंक्रीज हुआ, तब हमारा प्रिंसिपल 3 ये आपका अमाउंट 300 हुआ। अब ये 100 को हमको 600 बनाना है, तो 100 को 600 बनाने के लिए 5 जो हुआ ना, 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो 500 जो हुआ तो ये 5 टाइम्स 1 टाइम्स इंक्रीज होने में आपका 2.5 साल लगता है, 100 रुपया बढ़ने में, तो 500 रुपया बढ़ने में कितना लगेगा, 12.5 ईयर्स लगेगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। करे मैन बाइज 200 ओरेंजेज फॉर रुपीज़ 1000, हाउ मेनी ओरेंजेज फॉर 100 कैन ही सेल सो दैट द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। अब इसको ध्यान से आप देखो यहाँ पे कि ये 200 ओरेंजेज जो है 100 रुपीज़ 1000 के, इसको 200 ओरेंजेज मिल रहे हैं, तो 100 का आपको निकालना है, तो 100 का ही निकाल दो, 100 रुपीज़ में इसको कितने ओरेंजेज मिलेंगे, 20, ये 0 0 कट जाएगा, तो 100 रुपीज़ में उसको 20 ओरेंज ये खरीद के लाया। अब उसमें क्या करना है, उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, भाई 100 रुपीज़ का मान लो कि आपका 20 ओरेंज मिल रहा है, तो 25 कितना, 125 रुपीज़, 25% इसका हमने निकाला, तो 125 रुपीज़ उसको चाहिए, इतने इतने इतना इतना रुपया उसको चाहिए बेचेगा, तो 25 रुपीज़ बेचेगा 20 ओरेंजेज को 25 में उसने बेचा, तो उसको 25% प्रॉफिट, तो समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर समझाता हूँ कि 1000 का ओरेंज आपका 200 है, तो 100 में उसका ये आपका 100, ये CP हो गया CP। अब ये क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो SP उसका क्या हुआ, रेट हो गया कि 125 में कितना ओरेंज बेचेगा, 20 बेचेगा, 20 के 20 बेचेगा 125, तभी तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। अब ये 25, अब ये कह रहा है कि 100 में कितना सेल करेगा, भाई 25 में उसने 20 को बेचा है, तो 100 में कितना बचेगा, 16 बचेगा, 100 में कितना निकालना है, तो 100 से इंटू कितना हुआ, 20/125 हो जाएगा, ये 25 आपका हो गया 4 × 25 = 5 × 5 = 4 × 4 = 16, कितना बचेगा, 16 ओरेंजेज वो जब बेचेगा, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ही सेल दैट द प्रॉफिट परसेंटेज 25, तो 16%। अब इसको आप और तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 25 दिया है, दूसरे मेथड से भी शॉर्टकट लगा सकते हैं हम, 25% जो होता है वो होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का ये मतलब हुआ कि 4 वो बेच रहा है और एक उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस में 4 बेच रहा है और ये ख़रीदा कितना है उसने, एक प्रॉफिट जो हुआ, तो मतलब ये 1+4 ये मैंने 5 ख़रीदा है, 5 उसने ख़रीदा है, तो वो 4 क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो एक का प्रॉफिट उसको हो रहा है। अब ये सिंपल सी बात है कि 100 रुपये उसने 20 खरीदे हैं, तो 20 खरीदे हैं, तो उसको 100 रुपये में उसने ख़रीदा और 100 रुपये में बेचना ही हो, तो बेच कितने रहा है, 4 के हिसाब से, तो यहाँ पे 100 रुपये को उसको कितने खरीदे हैं, 20 खरीदे हैं, तो 5 जब खरीद के 4 बेच रहा है, तो 20 खरीद के कितना बेचेगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 × 4 = 4 टाइम, अब 4 से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 16 क्या करेगा, 100 में सेल करेगा। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं या इस तरह भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये कह रहा है, इफ़ m% of m + n% m = 2% of m + m × n, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ m इज n, इसमें निकालने के लिए क्या, m परसेंट को क्या लिखोगे, m बाई 100 इंटू m हो गया, प्लस n इन बाई 100 इंटू n हो गया, इक्वल टू 2/100 इंटू m इंटू n हो गया, ये 100 से 100 क्या वो कॉमन होकर कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आएगा इक्वल टू 2mn आ रहा है, 2mn को इधर लिखा जाए तो माइनस क्या होगा, 2mn इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये m माइनस n का क्या होगा, होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, तो m माइनस n इक्वल टू कितना हुआ, 0, तो m इक्वल टू कितना हो गया, n हो गया, m जो n के इक्वल है, कोई नंबर खुद के इक्वल है, तो कितना परसेंट आपका है, 100% है, कह रहे कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ m इज n, m जो है n का क्या है, 100% है, क्योंकि हर चीज़ हम हर नंबर के अपने में परफेक्ट होता है, 100% होता है, तो ये खुद का 100% है, एम जो एन का 100%, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कर इफ़ द साइड ऑफ द क्यूब इंक्रीज
by 100%, then what percentage the surface area of the cube increase. इस पर फोकस करना चाहिए, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है और कितने टाइम्स हो रहा है, दोनों में फ़र्क होता है, कितने परसेंट टाइम्स टाइम्स और इंक्रीज में फ़र्क होता है. अब देखो किसी चीज़ को 100%, जैसे साइड इसकी मान लो हमने ले लिया, साइड इसकी एक्स है, और वो 100% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि उसका जैसे 100 पहले था, 100 और बढ़ गया, 200 हो गया, मतलब डबल हो गया. अब न्यू साइड जो हो जाएगी, न्यू साइड उसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी. तो कोई भी साइड x है उसकी साइड जब डबल हो जाती है तो ये क्या निकालना है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में क्या होता है कि बाकी चीज़ें आपका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, 6 हमारा निकालेंगे ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, ये हमने ए ले लिया साइड को, तो 6 से मानिए 6 तो हर जगह कॉमन है, मतलब ए स्क्वायर क्या हो रहा है, साइड आपकी क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है. तो इसका ही स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये 4x स्क्वायर होगा. इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स होगा. तो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स का मतलब कि वो इंक्रीज कितने परसेंट हो रहा है. तो ये देखो ये 400% हो गया, ये पहले 100% था तो इंक्रीज कितना हुआ, 300%. जो आपका जो इंक्रीज होगा, हमको इंक्रीज निकालना होता है कि कितने परसेंट इंक्रीज होगा. इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको बेसिक से क्वेश्चन को कर सकते हैं. बेसिक से कैसे करेंगे, हमने साइड को मान लो ए मान लिया या एक्स मान लिया, साइड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया. तो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, जो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वो ओरिजिनल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × x². अब न्यू सरफेस एरिया कितना होगा भाई, क्योंकि साइड आपको बताया कि 100% इंक्रीज हो गया तो एक्स का 100% निकालोगे तो एक्स ही आएगा, तो 2x हो जाएगा. न्यू साइड हमने बताया था ना, 2x हो जाएगा, 2x तो 6 × क्या हुआ, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो कितना हुआ, 2 × 4, ये 24x² हो गया. अब देखो ये नया 24, आप ओरिजिनल कितना था, 6 था, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज जो आप निकालोगे 24 में 6 जाएगा तो 18x² हो जाएगा. तो अब इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे, इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. इंक्रीज है 18x² अपॉन ओरिजिनल कितना था, 6x² × 100. ये x² कट गया, 6 × 3 जा, ये हो गया परसेंट, तो 300% हो गया. ये समझने के लिए होता है ओरल, जिस बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये ओरल क्वेश्चन मार देगा. सिंपल सी बात है कि ये आप ध्यान रखा करो हमेशा, कभी भी किसी साइड को हम डबल करते हैं और वो एरिया पूछता है तो एरिया भी क्या होता है, स्क्वायर मार, बाकी चीज़ें सेम है. सरफेस एरिया का जैसे दिया है या आपका सर्कल का दिया है, सर्कल में भी सेम वही चीज़ है. सर्कल का रेडियस हम क्या करते हैं, जब डबल कर देते हैं, सर्कल का रेडियस डबल करेंगे तो एरिया जो उसका होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो ये पहले तो भाई यह मान लो कि पाई आर स्क्वायर था, यहाँ 4 पाई आर² हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ भाई, 3 पाई आर, 3 टाइम्स उसका जो पहले से था, 3 गुना उसमें इनकी वृद्धि हुई तो 4 टाइम्स हुआ है. इसका मतलब 300% क्या हुआ, इंक्रीज 300%, कितने गुना हो गया, 400 टाइम्स हो गया, या 4 गुना. टाइम्स पूछेगा तो 4 टाइम्स हो गया, और परसेंटेज पूछे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ तो 300. इस चीज़ का ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन उसी टाइप से था कि 100% ये नहीं बोला डबल, 100% ये पता होना चाहिए कि डबल हो रहा है, और डबल का फर्क डबल हो रहा है तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो गया. 4 टाइम्स कोई चीज़ हो रही है तो इंक्रीज कितने परसेंट हो रहा है भाई, पहले से तो वो 1 टाइम था ही ना, 3 गुना ही तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज जो होता है वो 300% टाइम हो जाएगा. अब सरफेस एरिया की जगह मान लो कि वॉल्यूम दे दिया कि वॉल्यूम जो है उसका कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. 2 का क्यूब हो गया कितना, 8 टाइम्स हो जाएगा. जब 8 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम, तो आपका 8 टाइम्स हो गया, पहले वो 1 टाइम्स था ही, तो मतलब 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो 7 टाइम्स मतलब 700%. तो इसी क्वेश्चन में यदि वी पूछता तो वी आपका क्या होता, वॉल्यूम पूछता 700% क्या होता, इंक्रीज होता, यदि इस क्वेश्चन को चेंज कर. इसलिए मैं बार बार हूँ, पास्ट पेपर करने का मतलब ये नहीं होता है केवल एक ही क्वेश्चन करो. आप इसमें देखो कि सरफेस एरिया ये दिया है, किसका क्यूब का दिया है, यहाँ स्क्वायर भी दे सकता है, यहाँ स्फेयर भी दे सकता है, फिर ये सरफेस एरिया दिया है तो इसमें वॉल्यूम भी दे सकता है. तो इस तरह आप एक क्वेश्चन को अलग अलग करके करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट. अब यहाँ दिया है कि 100% दिया, 200% इंक्रीज कर दिया तो आपका 3 टाइम्स हो जाएगा. जो x आपका है तो 3x हो जाएगा, उसका थ्राइस हो जाएगा, 4 आपका 200%, 300%. तो इस तरह आप खुद ही बना के क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी. अब इसी पे क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा बहुत दे देगा. ये क्वेश्चन नंबर 16 है, कर हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n सेटिस्फाइड द इक्वेशन. ये m और n क्या होने, पहली चीज़ की पॉजिटिव होनी चाहिए. वेयर कर n इज ऑड इंटीजर एंड लेस देन 60, n जो है वो क्या है, लेस देन 60 है. अब इसको हमको क्या करेंगे, 1/m यहाँ से देखते हैं तो 1/12 माइनस क्या हुआ, 4/ हम n ले लेते हैं. LCM जो होगा 12n हो गया, तो ये हो गया n माइनस ये आगे 48 हो जाएगा, यहाँ से 48 आ जाएगा. अब यहाँ से हम m निकालते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 12n अपॉन कितना हुआ, n माइनस 48. अब देखो m क्या है, पॉजिटिव है,
तो एन जब पॉजिटिव होगा तो ये भी नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एन माइनस 48 ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, जीरो, मतलब एन ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 48। इसका मतलब क्या होगा, एन जो होगा वो ये आपका क्या होगा, 48 और 60 के बीच लाइज करेगा। तो और ये क्या करें, एन 40 और 60 के बीच लाइज करेगा, और एन क्या ऑड इंटीजर है, ऑड में आपका क्या आएगा, 49 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर आपका 53 आएगा, फिर आपका 55 आएगा, फिर 57 आएगा और 59 आएगा, ये नंबर आएंगे। अब इन नंबर को हमको यहाँ पे पुट करके देखना है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, इंटीजर भी होना चाहिए। तो n पुट करके देखेंगे कि क्या क्या नंबर यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमने मान लो 49 पुट किया, तो 49 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ 49 तो 12 तो ये नंबर हो जाएगा यहाँ पुट कर देंगे। तो अब ये मान लो कि 51 हमने पुट किया, तो 51 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आपका कितना आएगा, 51 इसमें से पुट करेंगे तो 48, तो आपका ये आपका आ गया 3 आएगा, और 3 से क्या हुआ कट जाएगा 4, ये 12 कट जाएगा, तो ये अब 12 कट जाएगा तो ये भी नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये 53 पुट करेंगे, 53 यहाँ पुट करेंगे तो आपका क्या जाएगा, ये 5 आएगा, और यहाँ पर आपका 53 ये 5 से ये कोई नंबर नहीं कटेगा, 53 भी नहीं, जैसे होगा ना 12 × 53 अपॉन यहाँ से आपका 5 आ गया, तो 5 से भी नहीं कटेगा इसलिए नंबर नहीं होगा। इस तरह हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो ये नंबर एक आएगा 57 आएगा, बाकी ये दो नंबर तीन नहीं आएगा, तो इसलिए आपका 49 51 और आपका 57 तीन ही नंबर इसको सेटिस्फाइड करेंगे, जो n की वैल्यू आएगी उस तरह m की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, इट्स पेरिमीटर इज दिस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब इन तीनों का हम देखें एलसीएम देखें तो कितना आ रहा है, 12 हो रहा है। 12 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसका हम एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, का नया रेशियो आ गया 6:4। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 13:13 किसके इक्वल दिया है, 52 के, क्योंकि सबको हम ऐड करेंगे तो ये क्या साइड्स हैं, ये साइड के रेशियो, तो सब तीनों साइडों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो 1:4 किसके इक्वल आएगा, 13:4 = 52, तो 4 आ गया आपका 1:4 के इक्वल आ गया। और सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, 3:3 है, तो 3 × कितना हुआ, 4, 12 cm। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फेयर इज दिस, द स्फेयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू द वायर यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन, द लेंथ ऑफ द वायर दिस, देन व्हाट इज द रेडियस निकालना है, वायर की जो रेडियस क्रॉस सेक्शन की क्या होगी। किसी भी चीज़ को जब एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जब वॉल्यूम आपका सेम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, r यहाँ से निकल जाएगा, डायमीटर दिया है तो, और यहाँ पे r हमको निकालना है इसका, जो वायर आपकी है इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ क्या हो जाएगी, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, 36 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया है। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल हो गया, 4/3 πr³ के इक्वल, पाई से पाई ये आपका कैंसिल, आर स्क्वायर निकालना हमको, तो ये 4/3 × r³, r कितना है यहाँ पे, 3 × 3 × 3 अपॉन एच नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 36 × 100, ये 3 × 3 = 9, 4 = अब 36 से 36 कट गया, ये कट गया, तो 1/ कितना हुआ, 100 आ गया, तो r की वैल्यू 1/10 आ गई, तो 0.1 cm, इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर ऑल दो टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी एज द रिमाइंडर। तो आपका मतलब a इक्वल टू कितना हुआ, 4 से आप डिवाइड, 4³ + 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिजिट नंबर, 4 से देख लो, 4 × 2 = 8 + 1 = 9 हो जाएगा, और आपका उसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 4 × 3 = 12 + 1 = 13, तो 13 से शुरू होगा आपका टू डिजिट नंबर, जो 4 से डिवाइड करेंगे और एक रिमाइंडर आएगा, उसके बाद से 4 इसमें ऐड करते जाएंगे, 17 हो गया लास्ट में, और 50 से पहले आएगा तो आपका 12 × 4 = 48 होता है, और 48 + 1 कितना हुआ, 49 आ जाएगा। तो आपका ये नंबर होंगे। अब यहाँ से लेके देखते हैं हम, यहाँ से 13 से लेके हमको 49 तक, तो 13 से लेके 49 तक नंबर जो आएगा वो 10 नंबर आएंगे। आप यहाँ काउंट कर लेना आप, या इस आप एपी के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, एपी के फार्मूले जैसे हमको निकालना होता है, तो इसे ए दिया है, ये बी दिया है, तो बी माइनस ए ले लेते हैं, बी माइनस ए अपॉन डी प्लस वन होता है, तो बी माइनस 48 में से 13 माइनस कर दो आप, तो आपका 3 आ जाएगा, या आप 36 आएगा, 36 को ऐसे ऐसे फार्मूला होता है, एन का लिख देता हूँ, बी माइनस ए अपॉन डी प्लस वन हो गया, तो ये कितना हुआ, बी 49 माइनस 13 अपॉन 4 प्लस 1 हो गया, तो ये 36 हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 + 1 कितना हुआ, 10 हो जाएगा, ऐसे भी 10 आ जाएगा काउंट करके। तो जो s हमको n निकालना होता है, सम n बाई टू
ए प्लस एल का फार्मूला या ए एन का फार्मूला होता है, तो 10/2 हो जाएगा। ए आपका कितना दिया है 13, और प्लस ये 49 हो जाएगा। दोनों को सम कर दो, तो दोनों को सम करोगे तो एन बाई टू, ये तो 5 हो गया, और ये आपका 3/2 हो जाएगा, और 5 5 62 हो गया। तो 5 2 10 हो गया, और 5 6 30, और आपका 31 हो गया। तो 310 ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, इफ़ द एवरी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डबल देन द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल बिकम्स के टाइम्स देन द एरिया ऑफ द ओल्ड वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इक्वल टू क्या होगा। देखो, पहले भी जब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइड जो था वो उसका क्या 100% कर्व साइड क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, तो सरफेस एरिया जो उसका क्या हो रहा था, 4 times हो रहा था। क्योंकि अभी बताया कि देखो एरिया, इसका एरिया आप देखोगे तो क्या √3/4 साइड स्क्वायर, इसका भी एरिया देखोगे तो क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब साइड का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो साइड के स्क्वायर करेंगे जब ट्वाइस हो रहा है, तो टू का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब 4 times बढ़ेगा। तो इसका एरिया, इसके एरिया क्या होगा 4 times। तो के की वैल्यू इसमें कितनी कर रहा है, के वही पूछ रहा है, मल्टीप्लायर क्या होगा के टाइम्स, तो ये क्या होगा 4 times। तो ऑप्शन इसमें आपका 4 हो गया। और ये बोलता है कितने परसेंट, बोलता है कि इंक्रीज हो रहा है एरिया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 300% हो जाता है। ये चीज़ क्या हो जाती है, 300% आपकी क्या होती है, इंक्रीज, जो पिछले क्वेश्चन में भी समझाया हो। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक डायमेंशन जब इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, दूसरी चीज़ें इसमें क्या है, देखो सेम हो रहा है, ये इसके इस पर इफेक्ट नहीं डाल रही है, ये सेम है। इफेक्ट क्या डाल रहा है, ये जितने टाइम्स हो रहा है उतने टाइम्स इंक्रीज, उसी का ही, क्योंकि x² सारे क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे, तो जितने टाइम्स इंक्रीज उतने टाइम्स ये इंक्रीज हो जाएंगे। टू इस मान लो इसने किया, इसने बोला डबल ट्रिपल कर देते तो क्या होता, 3 का स्क्वायर हो जाता, 9 times हो जाता। फिर मान लो 4 times करता, 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16, तो के की वैल्यू 16 हो जाती, के की वैल्यू 9 हो जाती। इस तरह क्वेश्चन मान लो हाफ कर देता, कि ये कहता है कि जैसे डबल किया है, डबल की जगह हाफ करता, मतलब x/2 हो गया, तो x/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, मतलब 1/4 हो जाता एरिया जो इससे क्या हो जाता, 1/4 हो जाता। तो इस तरह करके आपको, देखो मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप चेंज करके कर सकते हो, इस पर प्रैक्टिस करो। डबल दिया, ट्रिपल करके, 4 times 5 times करके आप खुद ही उसका ट्रिक्स निकालो कि कैसे हम करेंगे, हाफ करके 4-5 बार करोगे तो ट्रिक्स ऐसे लर्न नहीं रहती है, 50-500 ट्रिक्स लर्न किया सब भूल जाएंगे, बस बेसिक से उसको अपने माइंड बिठा लेंगे कैसे आ रहा है ट्रिक्स, कोई बता रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका पीछे का बेसिक क्या है। जब बेसिक से कोई क्वेश्चन करोगे तो वो आपको ट्रिक्स लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है कि ये टाइम्स किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, किसी का क्यूब है तो उसकी क्यूब पे, बाकी चीज़ें सेम है क्योंकि सॉलिड तो सेम है, कोई चीज़ आपका एक ही चीज़ का एरिया को कंपेयर करना है, एक ही चीज़ के सर्फेस एरिया को कंपेयर करना है, तो बाकी चीज़ें सेम होती है, तो जिस पे डिपेंड करता है एरिया, इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइड पे डिपेंड कर रहा है, तो साइड आपका क्या हुआ, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। आप सारी चीज़ें सेम कर दो तो इसीलिए प्रोपोर्शनल में आ जाता है कि आप एरिया जो होगा, अब सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या होगा प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हुआ, साइड का स्क्वायर हो जाएगा x², जो भी आपका होगा उसके वो उतने टाइम्स बढ़ता जाएगा स्क्वायर के। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो देख के बच्चे लाइक भी नहीं करते हैं, आपको यदि कुछ वीडियो से सीखते हो, कुछ समझ में आता है तो उसको लाइक ज़रूर करा करो, उसको शेयर करो करो फ्रेंडों में, कि नॉलेज जितने डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतनी नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी, और किसी को समझा भी सकते हो, आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो किसी को एक्सप्लेन करोगे तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को वीडियो लगा कैसा, और अभी तक आपने मैथ सर मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके छोटे भाई पढ़ते हो, 10th वगैरह में 10th का वीडियो बहुत सारा अपलोड होगा, 12th का वीडियो अपलोड होगा, बाकी हर कंपटीशन के बारे में, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी अर्थमेटिक आती है, कोई भी मैथ्स आती है तो बेसिक होती है, NDA हो गया, कोई चीज़ हो गया, तो बेस से आपको समझना है, जब तक बेस आपको क्लियर होगा तभी आपको आ सकता है। तो पूरे कंप्लीट मैथ्स के ये चैनल है, हर चीज़ इसमें मैथ्स के बारे में डाली जाएगी, हर कंपटीशन से लेकर एकेडमिक तक डालते हैं, और काफ़ी दिनों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 24 ईयर से एक्सपीरियंस है, फॉरेन बोर्ड तक मैं पढ़ाया हूँ, तो इसलिए हर चीज़ का एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।